नमस्कार, लाइव लगातार की खास कार्यक्रम स्कूटी रिपोर्टिंग में आपका स्वागत है। मैं माधवी चौधरी अपनी सहयोगी पूजा के साथ यहाँ मौजूद है। हम आपको आज बताएंगे क्रिसमस को लेकर राजधानी रांची में किस तरह से तैयारियाँ की गई है, मार्केट में क्रिसमस की क्या धूम मची है। क्रिसमस को लेकर जो राजधानी रांची में तो धूम मची है वो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि काफ़ी दिनों से क्रिसमस की तैयारियां की जा रही हैं। मार्केट में क्रिसमस की वजह से जो रौनक देखी जा सकती है वो काफ़ी दिनों पहले से ही है, चाहे वो एक्समस ट्री की बात की जाए या फिर डेकोरेशन आइटम्स की बात की जाए, चाहे क्रिसमस की जो स्पेशल केक होते हैं उसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बहुत दिनों पहले से ही हो रही है। तो माध्यम आप देख सकते हैं कि इस पूरी तरफ यहाँ पर लोग घूम रहे हैं और कोई चर्च जा रहा है तो कोई पूरी तैयारियों के साथ यहाँ पर है, कोई शॉपिंग कर रहे हैं। तो क्रिसमस को लेकर के पूरी तरीके से राजधानी रांची खुशियों के साथ डूबी हुई है, खुशियों में डूबी हुई है आप कह सकती हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरे ठंड का भी मौसम है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए सभी लोग अपनी तैयारियाँ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, खाने पीने की दुकानों पर भी पूरा अच्छे तरीके से लोगों की भीड़ लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं, ये राजधानी रांची का जो मेन रोड है, सबसे व्यस्तम रोड कहीं ना कहीं हम लोग कह सकते हैं वो है, जहाँ पर रोड साइड में पूरी तैयारियों के साथ दुकानें लगी हुई हैं क्रिसमस को लेकर के। सभी ये हम लोग अभी जितने भी चर्च है यहाँ पर, हम लोग अभी मेन रोड का जो है वहाँ जाएंगे और दिखाएंगे आपको कि वहाँ पर किस तरीके की धूम लगी हुई है। ये देखिए यहाँ पर एक्साइसेस के पास यहाँ पर पूरी तैयारियों के साथ दुकान में पूरी भीड़ लगी हुई है। चलिए तो हम लोग दुकानदार से भी बात करेंगे। सर, कैसा माहौल है यहाँ पर अभी क्रिसमस को लेकर? सुबह से ही भीड़, लोगों की भीड़ आ रही है। लोग तरह तरह के रिस्ट बैंड, टोपी, कैप और हेयर बैंड की खरीदारी कर रहे हैं। तो कब से ही आप लोग पूरा क्रिसमस का दुकान लगा दिया था, कब से बिक्री चल रही है? सुबह से ही हम लोग अगले सुबह से ही तैयार होकर के लगाए हुए हैं और लोगों की उत्साह और जोश के साथ खरीदारी कर रहे हैं। तो देखिए ये पूरे दुकान का जो पूरा रूप है यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी तैयारियाँ यहाँ पर कि छोटे छोटे सेंटा क्लॉज के जो फूड मूर्ति हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आएगी। जिंगल बेल्स जो कहा जाता है वो भी आपको नजर आएगा। एक्समस ट्री भी यहाँ पर मौजूद है। तो पूरी तैयारियाँ आज के महापर्व को कहा जा सकता है वो यहाँ पर की गई है। आपको हम छोटा सा एक और दृश्य दिखाएंगे जहाँ पर सांता क्लॉज आ रहे हैं और गिफ्ट्स अपने साथ लेकर के आए हैं। तो ये पूरे अभी दुकान का रुख चल रहा है। अब हम आपको सीधे लेकर के चलेंगे मेन रोड के चर्च में। चलिए हम सीधे चलते हैं वहाँ पर। तो अब हम पहुँच चुके हैं गॉसनर चर्च में और अभी हम लोग सीधे यहाँ से अंदर जाएंगे कि यहाँ का क्या कुछ रूप है और यहाँ पर क्या कुछ तैयारियाँ हैं वो आपको दिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि नव वर्ष की तैयारियाँ और चर्च यहाँ पर है। और देखिए पूरा जो यहाँ का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आपको नज़र आएगा और सभी लोग कहीं ना कहीं पूरी शॉपिंग भी कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर बैठ करके जो कार्यक्रम आज होने वाला है शाम में उस कार्यक्रम को भी यहाँ पर लोग आकर के देखेंगे। हम आपको आगे से पूरा रूप दिखाएंगे कि यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं और हम लोग कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। हम लोग यहाँ पर सबसे पहले सर से बात करेंगे। सर, आज क्रिसमस है, क्या कुछ कहिएगा हमारी जनता को? हाँ, आज क्रिसमस का दिन है। आज के दिन ये हमारे यीशु मसीह का जन्म हुआ है और उसी का जन्म के उपलक्ष्य में हम लोग इस उत्सव को हम लोग मनाते हैं और उसका संदेश को सबको को बांटते हैं कि यीशु मसीह सबसे जैसा प्रेम करता था वैसे ही हम लोगों को सभी को ऐसे एक दूसरे से प्रेम रखना चाहिए और प्रेम पूर्वक इस त्यौहार को मनाना चाहिए। सो सभी को हैप्पी क्रिसमस। हमारे साथ महिला भी, बताइए ना मैम, क्या कहिएगा लोगों को आप? हैप्पी क्रिसमस है ना, और यीशु मसीह हम लोगों को अपने पास बुलाता है। इस दुनिया में आया हमारे उद्धार के लिए और इसीलिए हम जन्मदिन भी मनाते हैं उसका।
तो देखिए, जो इनके जो प्रिय हैं यीशु मसीह, उनकी जो बातें हैं, जो लोगों से उनका प्रेम था, उसको ये सभी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहिएगा मैम, आज क्रिसमस है और लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? सबसे पहले तो मेरी क्रिसमस सभी को, और बहुत अच्छा है। हम लोग क्रिश्चियन नहीं हैं, फिर भी हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं, आते हैं, सभी से मिलते हैं, सबको विश करते हैं, अच्छे अच्छे शुभकामना देते हैं। और इस साल तो स्पेशल शुभकामना है कि सब लोग भाई कोविड से दूर ही रहे और जल्द से जल्द इससे सब लोग को निजात मिले। थैंक यू। आप क्या कहिएगा मैम, हम आपसे भी जानना चाहेंगे। मेरी तरफ से भी सभी को हैप्पी क्रिसमस, और मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसे हर साल हम लोग बहुत अच्छे से धूमधाम से ये मनाते हैं, तो इस बार भी कोरोना के लेकर के ध्यान में रखते हुए मेरी क्रिसमस मनाएं। और सब अच्छा सर। तो कहीं ना कहीं पिछली बार कोरोना को लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा निराशा थी, और हम लोग अभी फिर और भी लोगों से बातचीत करेंगे और हम आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ का जो पूरा जो शाम की तैयारियाँ हैं वो काफ़ी बेहतरीन तरीके से की गई है। हमारी जो सहयोगी है माधवी, हम उनसे भी आपको बातचीत कराएंगे कि उनका क्या कुछ कहना है आज के दिन को लेकर के। क्या कहिएगा आप? मैरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू एंड जो भी हम लोग को देख रहे हैं। और अब मतलब अभी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके क्रिसमस, और लॉकडाउन में बहुत क्या बोलते हैं दिक्कतें हो रही थी, मतलब बोर हो जा रहे थे, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छा लग रहा है बाहर आके अच्छा लग रहा है। तो आज क्रिसमस कैसे मनाने वाले हैं शाम में क्रिसमस? अब हम लोग मतलब अब बस घर जाके, अब मेरा कोचिंग रहता है, क्या बोलते हैं, क्रिकेट का, जाऊंगा बस खेलूंगा और आ जाऊंगा घर, उसके बाद पढ़ाई करके सो जाऊंगा, बस हो गया। तो पढ़ाई भी करना है और आज के दिन को मनाना भी है, आप क्या कहिएगा? मेरी क्रिसमस बहुत क्रिसमस के आज अच्छा लग रहा है हम लोग के। अगला साल तो लॉकडाउन में बहुत हम लोग बोर रहे हैं एकदम घर में, बुझा के आज के दिन कितना कैसा लग रहा है। आज के दिन हम लोग के बहुत आज खुशी लग रहा है, आज बहुत क्रिसमस हमको बहुत अच्छा लग रहा है। घूमने में घर के टोटल काम छोड़ के आज हम लोग आ गए क्रिसमस के डे में। बाकी हम लोग अगला साल तो हम लोग बहुत ख़राब लग रहा था। तो पिछले साल की कुछ यादें जो हैं वो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि कोरोना और लॉकडाउन में भी दिया, मगर इस बार लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है और आज के दिन को बहुत बेहतरीन तरीके से वो लोग मना रहे हैं। आज क्रिसमस है तो क्रिसमस को लेके स्पेशली यंगस्टर्स में एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा ही होता है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्रिसमस ऐसा फेस्टिवल है जो सबको ही मिलजुल के मनाते हैं। आई एम फ्रॉम कैलकटा, तो हम आए रांची यहाँ पर क्रिसमस मनाने अपने फैमिली के साथ। सो लाइक आई एम ऑल हाइप्ड अप बिकॉज हम लोग कजिन्स लोग सिर्फ क्रिसमस के टाइम पे ही मिलते हैं, एंड लाइक हम लोग सब एक साथ, मतलब फैमिली गेट टुगेदर होता है, सब एक साथ चर्च आते हैं, फिर उसके बाद फिर हम लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, फिर लंच होता है, फिर डिनर टुगेदर होता है। बस यहाँ से जाने के बाद भी गेट टुगेदर होगा? हाँ ऑफ कोर्स, अभी हम लोग का एक लंच गेट टुगेदर है। ओके, और आपने जीसस क्राइस्ट से क्या विश करा? आई प्रेड कि मेरा ये पूरा साल अच्छा जाए, एंड अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए मैंने प्रे किया। आई होप जीसस क्राइस्ट आपकी हर विश पूरी करे। थैंक यू, सेम गोज फॉर यू। ओके, आज क्रिसमस के मौके पर आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना? ओके, सो मैरी क्रिसमस एवरीवन, एंड स्टे सेफ बिकॉज अभी ओमिक्रॉन वेरिएंट, लाइक अभी डेंजर थोड़ा बढ़ गया, इट्स इंक्रीजिंग द रिस्क, सो स्टे सेफ एंड सेफ क्रिसमस टू एवरीवन। आज क्रिसमस है तो क्रिसमस पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपस में मेल मिलाप, भाईचारा और प्यार बनाए रखिए, क्योंकि यीशु मसीह उनका वही संदेश है, लव पीस अमोंग ऑल। थैंक यू। सिंस वी आर फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी हैव टू फॉलो वॉट एवर ही हैज़ टॉट, एंड दैट इज़ लव। सबसे पहले तो प्यार होना चाहिए आपस में, डिफरेंसेस होती हैं, डिफरेंसेस को आपको कीप असाइड करना होगा, बिकॉज अदरवाइज आप एक कंट्री में विच इज़ सच अ बिग डेमोक्रेसी आप नहीं रह सकते हो। सो इट इज़
बेटर दैट वी लिव विथ हार्मनी एंड पीस एंड लव विथ ईच अदर। तो आज आप लोगों ने देखा कि पूरे जो चर्च का जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है, कोई गेट टुगेदर के लिए तैयार हो रहा है तो कोई अपने फैमिली के लिए प्रे कर रहा है। तो माधवी, आपने क्या कुछ देखा चर्च में? पूजा जैसे कि हमने देखा इस गॉसनर चर्च में कि लोग क्रिसमस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं, चाहे कोरोना के बढ़ते केसेस के बाद भी या चाहे ठंड के वजह से भी, बट उनकी जो श्रद्धा है वो कम नहीं हुई है। लोग यहाँ पे कैलकटा या दूसरे जगहों से आ रहे हैं, अपने एक ऐसा त्यौहार है जहाँ पे लोग अपने परिवार से मिलते हैं, अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा लगा हमें देखने को मिला कि लोग आज भी त्योहारों में साथ रहते हैं, एक दूसरे के लिए कामना करते हैं, एक दूसरे के वेल विशर्स हैं। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा देखने को। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपने उन सभी लोगों को सुना, यहाँ पर अलग अलग धर्म के लोग भी आते हैं और आज के दिन को मनाते हैं और कैंडल भी जलाते हैं यहाँ पे सभी लोग, और जो प्रार्थना है उसका भी इंतज़ार कर रहे हैं लोग अंदर। जो हमने आपको चर्च के अंदर का जो आपने देखा कि वहाँ पर किस तरीके से लोग इंतज़ार कर रहे हैं प्रेयर का, और जो आज का जो इवनिंग होगा वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होगा और देखने वाला होगा, क्योंकि पूरे चर्च को बहुत खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। तो आगे भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए देखते रहिए लाइव लगातार। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।